अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये वीक हमारा कैसा चल रहा है ये आप लोग हमारे साथ साथ देख रहे हैं। अब आज जो वीडियो डलेगी वो है डे फोर की वीडियो। अब इसमें जो है वो आज मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली काफ़ी दिन से हम कोशिश कर रहे थे जिम जाने की, लेकिन आज जो है वो दिन आ गया। अभी जो है वो बस हम चेंज करेंगे और हम जिम जाएंगे। लेकिन जिम जाने से पहले मेरे पास वेट मशीन है, मैं अपना वेट करना चाहता हूँ। वहाँ होगी यकीनन, मैंने अभी काफ़ी अर्से पहले जाके देखा था लेकिन उसके बाद से टाइम नहीं मिला तो गया नहीं। लेकिन ये कि अभी हम वेट करेंगे और एक सेकेंड, हाँ हम वेट करेंगे और वेट करने के बाद अपना वैसे वेट नहीं करेंगे, मशीन के ऊपर से खड़े होकर वेट करेंगे और फिर चलेंगे जिम। तो आए पहले वेट करते हैं। ठीक है, ये हमारी वेट मशीन है, ये डिजिटल वेट मशीन है और मैं इस पर खड़ा होता हूँ बिस्मिल्लाह। और इसमें चेक करते हैं कितना वेट आ रहा है ताकि जाने से पहले पता होना चाहिए। 78.8 आपको नज़र आ रहा है। थोड़ा कैमरा नीचे कीजिए, किलो बंद हो। 78.8 kg। हालांकि कल तक मुझे लग रहा था, शायद दो दिन तीन दिन पहले वेट किया था तो उस वक्त शायद 81 था ना, मेरे ख्याल शायद 81 था। लेकिन अभी ये है कि वेट पता नहीं क्यों फ्लक्चुएट करता है इतना ज़्यादा। खैर मशीन तो सही है, ये चीज़ तो कन्फर्म है, हमने इस पर वेट वगैरह रख के चेक कर चुके। तो अभी चलते हैं, तैयार होते हैं और चलते हैं जिम। तो नाज़रीन, आज वो दिन आ गया है जब मैं फाइनली जिम में आ गया हूँ। ये आप जिम देख लें, डिटेल में आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। ये हैं हमारे इंस्ट्रक्टर याकूब भाई। अस्सलाम वालेकुम याकूब, क्या हाल है, कैसे हैं? कैसे हैं आप? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। आर्नल्ड तो बनना नहीं है लेकिन ये है कि मेरा अपना वेट गिराना है। तो अब ये माशाल्लाह से काफ़ी सीनियर भी हैं और मतलब इनसे डिस्कस करते हैं। और आज जो है वो सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, आज ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करेंगे। क्योंकि ये मुझसे ये कह रहे थे कि तुमने आज से ही शुरू करनी, तो बस आज जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लुक भी जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है मैं जिम नहीं किसी दोस्त से मिलने आया हूँ या पिकनिक पार्टी पर आया हूँ। वो जीन्स वीन्स ये हो, चलो लेकिन ये है कि कोई बात नहीं, शॉर्ट्स ले लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अभी इनसे चिट चैट करते हैं और फिर देखते हैं कि ये मुझे क्या क्या चीज़ें बताएंगे, किस किस तरीके से करना है आगे। तो अब आप मुझे बताएं कि मुझे कौन कौन सी एक्सरसाइजेज जो है ना वो करनी चाहिए। अभी तो हम आपको जैसे कार्डियो सेशन में ज़्यादा रखेंगे, ठीक है, कम से कम ये दो वीक के बाद फिर इंशाल्लाह आपको वेट ट्रेनिंग पर भी लेके आएंगे, ठीक है, और प्लस आपकी डाइट को भी थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है। मतलब पकौड़े और ये सारी चीज़ें जो है छोड़नी पड़ी, ये जंक फूड से हमें थोड़ा सा हटना। अच्छा अच्छा, वैसे मैं सच बात बताऊँ, चलो ये कि भाई अब वीडियो बन रही तो बताई तो मैं अभी भी पकौड़े ही खा गया लेकिन चलें। अच्छा तो क्या कहते हैं, तो याकूब भाई मुझे ज़रा ना थोड़ा सा एक टूर दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कितने देर का सेशन होगा? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ज़रा बताएं। ठीक, चले मिलते हैं। चले, पहले वीक तो हम रखेंगे इसके 5 मिनट ट्रेडमिल के, ठीक है, 5 मिनट हमारे आगे आ जाए, ठीक है, ट्रेडमिल हो गई हमारी, ठीक है, फिर साथ में हमारी इलेक्ट्रिकल हो गया, ये 5 मिनट हो गई और 5 मिनट हमारी साइकिलिंग हो गई, तो ये टोटल हमारे कार्डियो के 15 मिनट हो गए, ठीक है। उसके अंदर हमारे तकरीबन 10 मिनट जंपिंग जैक हो गई, ठीक है, साथ में नी हेड हो गया और थोड़ा सा रूलिंग भी हो गई। अच्छा, ये इंशाल्लाह हमारा बनता है सेशन कुछ 35 मिनट का। तो अच्छा, और अब जो है ये साइकिलिंग है, साइकिलिंग पे वैसे कब तक आ जाएंगे हम, उम्मीद है? हम साइकिलिंग पे तो हम अभी स्टार्ट करेंगे ना। अच्छा, हम सारे सेशन करेंगे 5-5 मिनट के। अच्छा, तो अभी कार्डियो आपका स्टार्ट होगा 35 मिनट का सेशन, ठीक है, तो उसमें 5 मिनट हम ट्रेडमिल करेंगे, 5 मिनट इलेक्ट्रिकल और 5 मिनट ही हमारी। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, थोड़ा सा इसके बारे में भी जरा बता दीजिए। तो ये वैसे ही वो है ना, क्या कहते हैं, ये साइकिलिंग वो कहलाती है ना? हाँ, साइकिलिंग कहलाती है। हाँ, इसमें ये कि आपने बैठना नहीं, खड़े होके, हाँ, खड़े होके करना है। तो इसके ज्यादा बेनिफिट होते हैं कि आपकी बैक, लोअर और हैमस्ट्रिंग, ठीक है, जैसे आसान लफ्जों में हिप जी और हिप का ऊपरा हिस्सा जो होता है, ठीक है, बैक लोअर, ठीक है, तो जैसे बंदा वजनी होता तो वेट यहीं से गेन होता है, ठीक है, तो उसके लिए ये जब खड़े होके करते हैं तो जंपिंग जैक बेसिकली ये उससे थोड़ी सी चेंज है। अच्छा, उससे थोड़ी है, तकरीबन वही, ठीक है। तो इस पे जैसे हम आए इस पे, तो हम जैसे साइकिलिंग कर गए तो 5 मिनट फिर हमने ये आपका, ठीक है, किया, तो ये 5 मिनट का ये सेशन चलेगा। तो जब 5-5 मिनट करके आएंगे, हाँ वैसे बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये पता है मैंने 2015 में किया है ना, अब उसके बाद से तो बिल्कुल ही छोड़ दिया। 2 मिनट का रेस्ट करना है, 2 मिनट के रेस्ट के बाद इंशाल्लाह फिर हमने जंपिंग जैक और बाकी चीज़ें जो साथ में करनी है कार्डियो में वो इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, तो फिर अब एक काम करते हैं, शुरू कर दें। बिल्कुल, है ना, मिला कर दें। चलो यार, अब पता चलेगा, बहुत जिम जिम कर रहे थे ना, अब पता चलेगा। ये हमारे टेनी, ये आ गई स्पीड, ठीक है,
टाइमिंग आ गई। बाकी जो कैलीज वगैरह ये बताती हैं, ये एग्जैक्ट चीज़ें कोई नहीं बताती। अच्छा। अगर ये 5 लाख की है ना, और 20 लाख वाली भी खड़े होंगे तो एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। अच्छा, मतलब कोई ऐसा अलग होता नहीं है, ये सिर्फ वो लोगों को मुतमईन करने के लिए कि हाँ यार ये चल रहा है ऐसा। अच्छा, बाकी हार्ट बीट वगैरह तो वो बंदे की वैसे ही पता चल जाते हैं। हाँ हाँ, बीपी शूट होता है, वो होते ही होता है। तो इंशाल्लाह बाकी चीज़ें ये बेहतरीन। यार बहुत ज़्यादा वीडियो बन रही है, अब जो है वो क्या कहते हैं, इस सेशन के बाद बनाता हूँ मैं वीडियो, और फिर पसीना भी देखते हैं कितना निकला है। अच्छा, अभी जो है ये ज़ीरो हो गया है, ये अभी भी ज़ीरो हुआ है। वैसे हमने 5 मिनट 18 सेकंड का ये सेशन किया था, जबान जो है वो लड़खड़ाने लगी। चलो भाई, ये 5 मिनट हम बाइक कर रहे हैं, और सामने से इसका बटन ऑन वाला वो दबा दें मीटर का। हाँ जी, उसमें टाइम भी आएगा। हाँ बस ठीक है ठीक है ठीक है, ऑन हुआ होता ठीक है। ये बाइक हमारी इतनी अच्छी है कि इसकी आपकी हैमस्ट्रिंग प्लस आपके अपर, जिसे सेंट्रल लोअर कहते हैं, तो उसके लिए बहुत मुफीद है। तो जितने भी हमारे जो ओवरवेट होते हैं, हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि उनको ऐसी चीज़ों पे रखें। अगर ऐसी चीज़ों पे नहीं रखेंगे तो, अगर नॉर्मल कराएंगे तो इंजरी 100% होती है। अच्छा, हाँ जी, अगर हम आपको मैनुअल कराएंगे ना तो उसमें इंजरी का चांस डबल हो जाता है, इसमें इंजरी का चांस 0%। अच्छा, जितनी भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, ये हाँ जी, ये इलेप्टिकल कर रहे हैं, और ये भी हम तकरीबन 3-4 मिनट करेंगे, क्योंकि आज फर्स्ट डे है, तो अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर थोड़ा सा जो है ना, ज़्यादा में करेंगे 3-4, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ 2.5 मिनट ही करते हैं। अच्छा, चले ठीक है, ये बेहतर है, क्योंकि वो फिर बाद में जो है ना, वो कल थोड़ा सा बॉडी को ज़्यादा पेनफुल रखेगा। अच्छा, वैसे मैंने जो है ना वॉक वगैरह ये सब चीज़ें जो है ना वो कंटिन्यू रखी। अच्छा, ऐसी बात है, प्रॉपर एक्सरसाइजेज है ना। हाँ जी 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 जी, कोशिश तो करते हैं कि दिन के अंदर घर में भी जो है ना वो कुछ जी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही उसका रिमोट बदल नहीं है। अब ये देखें कि आपने कितना, 5 और 5 तकरीबन 10 मिनट हो गए हमें, तो बॉडी कंडीशन आप बताएं मुझे कैसी हो रही है। ऐसा लग रहा है हर चीज़ काम करी। अच्छा, अभी हमने तकरीबन 14 मिनट का सेशन किया है, और अभी जो है वो याकूब भाई कह रहे हैं, याकूब भाई बताइए क्या कह रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि जैसे आज हमने ये 14 मिनट का सेशन 14.5 मिनट का किया है, तो इंशाल्लाह आज का हम सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और कल बॉडी के मुताबिक फिर वर्कआउट शुरू होगा इंशाल्लाह। हाँ यार, क्योंकि ये जो है ना, बस इससे ज़्यादा जो है वो पसीने निकल गए, बुरा हाल हो गया। हालांकि मैंने सिर्फ 13-14 मिनट ही किए हैं, और लेकिन जो है ना बहुत बुरा हाल हो गया। तो अब आपसे मैं मिलता हूँ घर में, और अब ये रेगुलर जो वीडियोज़ हैं ना इसकी, ये सेशन जो है वो जारी रहेगा, क्योंकि याकूब भाई से हमने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। और जो जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं वो आगे शेयर भी करें, लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आगे जाहिर सी बात है सेशंस और बड़े लंबे होंगे, तो उन सेशंस को फॉलो करें, और मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह ताला घर में या कल।